đoạn gì kìa. Thôi कोई बिग बॉस के बारे में जवाब नहीं देगा. वोट फॉर सिद्धार्थ शुक्ला. अरे सब करीब है, सब करीब. ये लो ये लो. अमित सर आपके राइट में ओके. चलो अभी पकड़ लो बात बस. ओके आ जा. चलो वाइट कर लो. अमित बोल दिया. अमित यहाँ नहीं. मैं क्या कहूँ. मैं हमारी पार्टियाँ चल रही है, हमारे फंक्शंस चल रहे हैं पिछले कुछ 5 दिनों से, और पार्टी ही चले जा रही है और शुभकामनाएं मिले जा रही है. बहुत सारे इतनी सारे बेस्ट विशेज आ रहे हैं, इतने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, इतने सारे लोग रोज़ मुझे मिल रहे हैं मेरे हर एक फंक्शन के बाद. तो अलग फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है, और मज़ा आ रहा है. और आज यहाँ बहुत सारा धमाल करेंगे,
कल दिल्ली जाएंगे और परसों वहाँ पार्टी करेंगे, तो ये सिलसिला चल रहा है। मुझे दुनियादारी की अभी कोई खबर नहीं है, मुझे अपना पता है मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं उसी में खुश हूँ और वही एंजॉय करना चाहती हूँ फिलहाल। सो सेलिब्रेशन तो एक साल पहले से शुरू हो गया था जब हमने डिसाइड किया था कि हम शादी करेंगे और इस दिन का बेसब्री से इंतजार था एंड फाइनली इट हैज हैपेंड। सो सेलिब्रेशन अब रोज होगा। हाँ मतलब मैंने सोचा था कि मैं अपनी फ़ोटोज़ मैं खुद अपलोड करूँगी और मैं खुद पहली बार मैं खुद पोस्ट करूँगी, लेकिन मेरी शादी के बाद जैसी जब फुर्सत मिली और मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने देखा मेरे पास पोस्ट करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि मेरी एंट्री से लेके फेरो सिंदूर मंगलसूत्र जितनी भी सारी रस्में थी पूरी शादी आउट हो चुकी थी, बाहर आ चुका था। मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का, इनफैक्ट ये जानकर खुशी हुई कि लोग इतना प्यार करते हैं और इतने खुश हैं मेरी खुशी में। आप लोग हर बार ये सवाल करते हैं। पता मेरा वो स्टीरियोटाइपिकल सारे वही हो गए, बट यू नो आज जब मैं इनको देख रहा था तैयार होते हुए तो मैं सोच रहा था कि कहाँ तारीफ करूँ और कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ। आई थिंक ओवरऑल जो इनका गेटअप है, चाहे मैं बालों की बात करूँ, चाहे मेकअप की बात करूँ, चाहे ड्रेस की बात करूँ, चाहे शूज़ की बात करूँ, एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो टुडे शी इज़ लुकिंग वन ऑफ द बेस्ट, ऑब्वियसली येस्टरडे शी वाज़ लुकिंग द बेस्ट, बट आज कुछ बात अलग है। ऑलमोस्ट सारे मतलब जितने लोगों आप सब जानते ही हैं मैंने किन किन लोगों के साथ काम किया है, सबकी शुभकामनाएं आ रही है और जो लोग आज नहीं आ पाएंगे उन लोगों ने सबने मुझे पहले से ही मैसेज कर दिया है, जैसे रिद्धि डोगरा ने कर दिया है, गौहर ने बताया है कि वो नहीं है यहाँ पर, तो सब बहुत प्यार भेज रहे हैं, सब बहुत दुआएं भेज रहे हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैंने काम किया है वो सारे आज इन्वाइटेड है, जो नहीं आ पाएंगे उन्होंने पहले से बता दिया है, बाकी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सारे ही आएंगे। देखो आज यहाँ पर बहुत टोटल धमाल वाली सेलिब्रेशन होने वाली है, दिल्ली जो है वहाँ पे थोड़ी सी सोफेस्टिकेटेड सी पार्टी होगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स आएंगे, तो वो मेरे ऑफिस की तरफ से पार्टी है। हाँ। तो मैं ऑफिस वाले फ्रेंड्स को बुला रहा हूँ तो, और कुछ मेरे अपने दोस्त भी होंगे तो वो थोड़ी पार्टी अलग होगी, वो अलग होगी, ये अलग है, ये अलग है। मैंने पहले से ही कहा था कि मैं मोस्टली मैं सारे लहंगे पहनना चाहती हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि हर एक लहंगा एक दूसरे से अलग हो। आप लोगों ने पहले देखा मैंने घरारा पहना था अपनी एंगेजमेंट में, उसके बाद मेहंदी का लहंगा अलग था, शादी का लहंगा अलग था, ये वाला लहंगा अलग है। सो आई एम होपिंग कि मैंने जो कोशिश की थी, जो मेहनत की थी, वो रंग लाई हो। इस लहंगे में मैंने थोड़ा सा वेस्टर्न टच देने की कोशिश की है, इसलिए मैंने बूट्स पहन लिए हैं इसके साथ, तो बस यही है। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत इनको कन्विंस किया है, क्योंकि ये इनका ड्रेसिंग थोड़ा सा अलग है और हम ठहरे फिल्मी लोग तो मुझे भी बना रही हैं। एक्चुअली मैंने कभी इस तरह के कपड़े पहने नहीं, तो आई नॉर्मली वेयर सूट्स, तो इन्होंने मुझे कन्विंस किया कि ये पहनो। हाँ। जब हमने पहली बार देखा तो हमने सोचा शायद नहीं पहनूंगा मैं, बट पहना और फिर वी लाइक इट। ओके थैंक यू वेरी मच। मैंने आप लोगों के लिए खाना भी ऑर्डर किया है, प्लीज आप लोग खा लीजिए। अब अलग अलग दो सबके एक ही नहीं ऐसे मत करो, कोई बिग बॉस के बारे में जवाब नहीं देगा। वोट फॉर सिद्धार्थ शुक्ला। Yes.